नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा थूरिया। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक खबर सामने आई है। आपको बता दें कि राज्य में अब उग्रवादी भी वोट डाल सकेंगे। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को इसकी इजाजत दी है। मणिपुर में हो रहे विधानसभा चुनाव में शिविरों में रह रहे उग्रवादी समूहों के सदस्य भी वोट डाल सकेंगे। हालांकि ये लोग मतदान केंद्रों पर जाकर ईवीएम के जरिए वोट नहीं डाल सकेंगे। इन्हें पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने की इजाजत दी गई है। आपको बता दें कि शुक्रवार को चुनाव आयोग ने इससे संबंधित एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत मणिपुर के वो उग्रवादी ग्रुप इस वोटिंग में शामिल हो सकेंगे जिन्होंने सरकार के साथ संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनके नाम मतदाता सूची में सूचीबद्ध है और जो वर्तमान में विभिन्न शिविरों में रह रहे हैं। इन सभी को अपना वोट पोस्टल बैलेट से डालने की अनुमति होगी। बता दें कि मणिपुर में यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट और कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तहत 20 से ज्यादा कुकी उग्रवादी समूह ने 2008 में राज्य और केंद्र सरकारों के साथ एक संघर्ष विराम समझौते पर त्रिपक्षीय सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पर हस्ताक्षर किए थे। गौरतलब है कि 60 विधानसभा सीटों वाले मणिपुर राज्य में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। मणिपुर में पहला चरण 27 फरवरी को होगा और दूसरा चरण 3 मार्च को। 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी और नतीजों का ऐलान किया जाएगा। मणिपुर में बीजेपी इस वक्त सत्ता में है, वहीं कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। इन दोनों दलों में ही इस चुनाव में मुख्य टक्कर मानी जा रही है। इन दोनों बड़े दलों के अलावा कई क्षेत्रीय दल भी चुनाव मैदान में है। आपको बता दें कि नेशनल पीपुल्स पार्टी और नगा पीपुल्स फ्रंट के प्रदर्शन पर निगाहें सबकी बनी रहेंगी। इसके अलावा टीएमसी भी मणिपुर में चुनाव लड़ रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।